न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। प्रयागराज में बेकाबू हो रहे डेंगू के हालात, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सुस्त है सरकारी अमले की रफ्तार। प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 500 का आंकड़ा पार कर गई। कश्मीर में उस जगह फहराया गया 108 फीट लंबा तिरंगा, जहां से 70 फीट के दशक में पकड़ा गया था आतंकी। भारत सरकार अब उस जगह पर सबसे लंबा भारतीय तिरंगा फहराने जा रही है, जहां 70 के दशक में आतंकी मकबूल भट्ट को पकड़ा गया था। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी फिर एक्शन में, दिल्ली में 25 ठिकानों पर चलाया सर्च ऑपरेशन। छठ महापर्व को लेकर सीएम केजरीवाल का ऐलान, सभी सुविधाओं के साथ दिल्ली में बनेंगे 1100 घाट। 5G के नाम पर धोखाधड़ी, 3 साइबर ठग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी मोहम्मद जाहिद का काम फर्जी अकाउंट का इंतजाम करना था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गैंग का सरगना पवन सिंह है। स्मृति ईरानी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती, कहा गुजरात में आपका राजनीतिक भविष्य तय। गुजरात में राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा पीएम का अपमान केजरीवाल की शह पर हो रहा है। खड़गे के मुहर्रम में नाचेंगे वाले बयान पर बवाल, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा राजस्थान में नहीं रखने देंगे कदम। अमृतसर में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने गिराया, आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा सर्च अभियान। बीजेपी सांसद की दो पत्नियां, पतिदेव ने दोनों के साथ मनाया करवा चौथ, सामने आई तस्वीर। लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका, अनंत सिंह के बाद अब विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द। सीएम योगी के दौरे से पहले अलीगढ़ पहुंचे सूर्य प्रताप शाही, गंदगी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार सुबह अलीगढ़ के प्रसिद्ध गिल राज मंदिर पहुंचे, इस दौरान वो मंदिर के आसपास गंदगी देखकर भड़क उठे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना, कॉलोनी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। पाकिस्तान में हैवानियत, मुल्तान के अस्पताल में मिले 500 से ज्यादा शव, सभी के अंग गायब। पाकिस्तान के एक अस्पताल में से एक बड़ी खबर सामने है, जहां 500 लावारिस शव बरामद हुए हैं। पाया गया है कि सभी लाशों की छाती खुली हुई है और उनके मानव अंगों को निकाल दिया गया है। बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए कुल 2678 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या भी 26,000 के पार। हिमाचल में चुनावों की तारीखों का ऐलान, मुख्य चुनाव आयोग ने कहा हिमाचल में 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। हिमाचल में एक ही फेज में चुनाव होगा, 25 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 27 तक नामांकनों की स्क्रूटनी होगी, 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग 12 नवंबर को होगी, 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। ज्ञानव्यापी मामले वाराणसी कोर्ट का फैसला, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग खारिज। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाला याचिका को खारिज कर दिया। हिमाचल में सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में लगेगी 1,00,000 जॉब्स पर मुहर, प्रियंका गांधी का वादा। ओवैसी बोले जिसे बिकनी पहननी है वो पहने, आप क्यों चाहते हो मेरी बेटी हिजाब उतारो और मैं दाढ़ी कटवा लूं। असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कई बार हिजाब विवाद मामले को लेकर बयान जारी कर चुके हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार कई सवाल उठाए। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए न्यूज 21।